दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज सो तो आज हम सिर्फ बात करेंगे 11 अगस्त 2020 की कॉल्स की तरफ. अगर आपको रीचेक करनी है तो आप पुरानी वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमारी देख सकते हैं. प्लस आप हमारी वेबसाइट पर विजिट मार सकते हैं जो मैंने लेवल्स दिए थे अपने पेड सब्सक्राइबर्स को वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे. तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या स्टॉक मैंने आपके लिए चुने हैं 11 अगस्त के लिए. तो पहला स्टॉक जो चुना है वो है ग्रेसिम. देखिए बाय का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा 634.10 जब ये स्टॉक हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे. टारगेट रहेगा आपका 635.50 का. फर्स्ट टारगेट प्राइस छोटा रहेगा एज यूजल क्योंकि देखिए न्यूवर्स को बता दूँ फर्स्ट टारगेट प्राइस छोटा इसलिए रहेगा ताकि आप अपने जो छोटा सा प्रॉफिट आप अर्न कर सकें उसके बाद अपना स्टॉप लॉस 631 जो कि हमने दिया आपको स्टॉप लॉस उससे 635 पे शिफ्ट करने के बाद 630 और 642 का वेट कर सके टारगेट अचीव होने का. ऐसे में रहेगा अगर 638 से दोबारा से नीचे आ जाता है तो 635 पे आप बाहर आ सकते हैं और आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप लॉस में चल जाते हैं तो आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आपसे जाएगा नहीं. शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा 629.90 का आपका हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे सॉरी शॉर्ट सेल कर लेंगे. टारगेट रहेगा आपका 628.50 का 625 का और 622 का और स्टॉप लॉस रहेगा 633 का. देखिए स्टॉप लॉस के लिए भी एक ही कंडीशन है कि 633 से जब ये ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब आप इसे शॉर्ट सेल मतलब स्टॉप लॉस आप मान लेंगे और 631 से नीचे जाने लगेगी वैल्यू बाय साइड में तो आप इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लेंगे वरना 631 पे एक्यूरेट आप नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए काफी टाइम ऐसा होता है 631 टच करके ये वापस चल जाए तो इससे नीचे जाने लगे तो पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि ये शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएगा इसमें शॉर्ट सेल करना बनता है तो 630 पे हम इसे शॉर्ट सेल करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा. अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है M&M जिसे आप बाय करके चल सकते हैं 632 पे स्टॉप लॉस रहेगा इसका 629 का. टारगेट प्राइस रहेगा 634 638 और 642 का. एज यूजुअल पहला टारगेट प्राइस आपका छोटा रहेगा. शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा 628 का आप टारगेट प्राइस रखेंगे 626 का और 622 और 616 का इसका थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा. स्टॉप लॉस रहेगा 631 का. अगला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो HEG जिसे आप बाय करके चलेंगे 792 पे. टारगेट रहेगा 794 800 808 का. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 788 का. शॉर्ट सेलिंग करके चलेंगे इसे आप शॉर्ट सेल करके चलेंगे आप इसे 787 पे. टारगेट रहेगा 785 का 778 का 772 का. स्टॉप लॉस रहेगा इसका 791 का. आज के लिए बस इतने ही स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुने हैं. बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा मॉर्निंग में आपको. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का. आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी स्क्रीन में आपको हमारा नंबर मिल रहा होगा. डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा. आप हमारी वेबसाइट को विजिट मार सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा. और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा. मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा. आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मिल जाएगा. आप वेबसाइट पर विजिट मारना चाहते हैं हमारे नंबर अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए कोई भी डिटेल आपको चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. और प्लान सब्सक्राइब करेंगे तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.